हाय स्टूडेंट्स, दिस इज़ बबली कविया फ्रॉम ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट डोसल। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कंपल्शन वर्ड का यूज़। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने कंपल्शन वर्ड लिखा है जिसका मीन होता है मजबूरी। जहाँ पे हमें मजबूरी शो करनी हो कि यार वहाँ जाना तो मेरी मजबूरी है, अच्छा अंग्रेजी बोलना मेरी मजबूरी है, तो वहाँ पर आप किसका यूज करोगे? कंपल्शन वर्ड का। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। हमारा जो पहला ही एग्जांपल है वो है कि झूठ बोलना मेरी मजबूरी है। क्या है? झूठ बोलना मेरी मजबूरी है। झूठ बोलना मेरी मजबूरी है। देखिए, मैंने जो पहला सेंटेंस है वो लिखा है झूठ बोलना मेरी मजबूरी है, तो इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं कंपल्शन वर्ड का यूज करके। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? आपको बोलना है इट्स माई कंपल्शन, इट्स माई कंपल्शन, इट्स मीन यह मेरी मजबूरी है टू टेल ए लाई। ठीक है, यह मेरी मजबूरी है, इट्स माई कंपल्शन टू टेल ए लाई। क्या? झूठ बोलना मेरी मजबूरी है। ठीक है, वहां जाना मेरी मजबूरी है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस क्या है? वहां जाना मेरी मजबूरी है, तो क्या हो जाएगा? वहां जाना मेरी मजबूरी है, वहां जाना मेरी मजबूरी है। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं क्या बोलोगे? इट्स माई कंपल्शन टू गो देर। इट मीन्स वहां जाना क्या है? मेरी मजबूरी है। हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट सेंटेंस है वो है कि उनके साथ खेलना मेरी मजबूरी है, तो क्या हो जाएगा? उनके साथ खेलना मेरी मजबूरी है। क्या लिखा मैंने? उनके साथ खेलना मेरी मजबूरी है, तो इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करोगे? इट्स माई कंपल्शन टू प्ले विथ देम। उनके साथ खेलना मेरी मजबूरी है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है यहाँ 5 बजे तक रुकना मेरी मजबूरी है। देखिए क्या सेंटेंस लिखा, यहाँ 5 बजे तक रुकना मेरी मजबूरी है, तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, क्या करोगे? इट्स माई कंपल्शन, रुकने को क्या बोलते हैं? स्टे। कंपल्शन टू स्टे हियर 5 बजे तक, टिल 5 o'clock। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखो, एक बार फिर से रिवीजन करती हूँ। मैंने आपको बताया कंपल्शन वर्ड का यूज, ओके, जिसका मीन होता है मजबूरी। अब सेंटेंस तो आपको पता है कि कैसा भी बन सकता है। मैंने तो इतना बताया है कि जहाँ पर आपको मजबूरी शो करनी हो वहाँ पर आप किसका यूज करोगे? कंपल्शन वर्ड का। हमारा जो पहला ही सेंटेंस है, पहला ही एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको समझाने के लिए, वो मैंने क्या दिया है? झूठ बोलना मेरी मजबूरी है। तो इसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, कैसे किया?
इट्स माई कंपल्शन टू टेल ए लाई। अब आपको मैं एक बात बता दूं कि जहाँ भी टू आ जाए और उसके बाद कोई वर्ब आएगी तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके साथ कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। आप देखो यहाँ पे टू है तो मैंने टेल का टेल ही कर दिया है, कोई चेंजिंग नहीं किया, ओके। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस था वो था, वहाँ जाना मेरी मजबूरी है, तो आपने क्या बनाया, इट्स माई कंपल्शन टू गो देर, ओके। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस था वो था, उनके साथ खेलना मेरी मजबूरी है, तो क्या हो जाएगा, इट्स माई कंपल्शन टू प्ले विथ देम। नेक्स्ट है, यहाँ 5 बजे तक रुकना मेरी मजबूरी है, तो इंग्लिश में क्या बनाया, इट्स माई कंपल्शन टू स्टे हियर टिल 5 o'clock। अब मैं एक सेंटेंस है वो आपको दे रही हूँ, आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिएगा। करना आपको ये कि कंपल्शन वर्ड का यूज़ करना है जो कि मैंने आपको बता दिया है, और इसका यूज़ करके आपको सेंटेंस क्रिएट करना है। ये लो आपको मैं दे रही हूँ एक सेंटेंस बनाने के लिए। क्या सेंटेंस है, अंग्रेजी पढ़ाना मेरी मजबूरी है। ये सेंटेंस दिया, अंग्रेजी पढ़ाना मेरी मजबूरी है। आई होप कि आप इजी वे में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दोगे, क्योंकि आपको मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया कंपल्शन वर्ड का यूज़, ओके। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करना कंपल्शन वर्ड का यूज़ करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक बाय, टेक केयर।